पूरी लहरी ले दे, दे। मजदूर बन गया। ओए ये बिहारी देखो क्या कर रहा है, आगे भी नहीं हो रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलो अब निकल रहे हैं एक नई ट्रिप के लिए। बैग पैक है ये रहा। तो निकल चुके हैं घर से और जा कहाँ रहे हैं बताऊंगे व्लॉग में। चलो देख लो यार, रास्ता देख लो, आगे वीडियो देख लो, बाकी थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। बहुत तेज हो रहे हो। चलो मिलते हैं आगे, दिखाते हैं। यार भाई सब 55 लीटर 54.94। तो यहाँ रुके, कॉफी पीने के लिए नींद आ रही थोड़ी सी, लाइटिंग अच्छी है आगे। रात का टाइम मेरा ड्राइविंग का फेवरेट है, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ आपको दिखाता हूँ क्यों, इसीलिए बस ऐसे मिलते रोड रात को। किशनगढ़ आ गया, इसका ड्रामे देख भाई बस वाले के क्या कर रहा है, पूरी लेफ्ट राइट चला रहा भाई। अभी थोड़ी कम कर दी इसने, जैसे इसके मैं बरार में आया, जैसे पीछे से रोड खाली था ना, सांप बना रहा है, नाजिम सांप बना रहा है। देखिए ये मेरी गाड़ी नहीं हिल रही, ये बस हिला रहा है। ये हम हैं अभी किशनगढ़ और ब्यावर के बीच में, उदयपुर टू दिल्ली रोड पे चल रही है बस। पता नहीं इस बस में हद से ज्यादा बॉडी रोल है, ये आप जान के कर रहा है ऐसा। ये देख शो के बना रहा है, अरे देख तो भाई ओवरटेक ऐसे मार रहा है, ऊपर से बस से लहरी ले रहा, पूरी लहरी ले रहा, देखो दे वो भाई क्या कर रहा है। बस कब से कब कहां जा रही है पता नहीं चल रहा, झूल रहे दोनों शॉपर बस। पता नहीं भाई एयर सस्पेंशन है उनके मजे ले रहा है, ये इसके बॉडी रोल से ज्यादा बस खराब है। मगर भाई वैसे देख के डर लग रहा है, बाहर से ही पता नहीं अंदर पब्लिक कैसे बैठी होगी। देखिए सीधा रोड है, कोई नहीं है इसके आगे, आगे लेफ्ट राइट में भी मतलब कोई सांप बना रहा है। जैसे ये चला रहा है ना बस, मुझे नहीं लग रहा इसके पीछे चलना सेफ, इसीलिए हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं आगे। ये तो नाजिम बना बड़ा सांप बना रहा है उसका, ये दोनों कर रहे हैं बाहर गंदा काम, और तुम्हारा भाई उड़ाकर धूल। देखो कितनी दूर उड़ाई है, देखो गड्ढा बना दिया एक रहा एक, वहां से दूर उड़नी शुरू हुई है और यहां तक दूर उड़ती है। ये देखो ये मजदूर बन गया मजदूर इतनी धूल उड़ा दी यार, चप्पल साफ है, देख चप्पल कितनी अच्छी लग रही है एकदम नई जैसी, मगर पैर जैसे मजदूरी करके आया हो सिविल इंजीनियर। 4:45 हो गए, 4:45 और 400 किलोमीटर बचा है, 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है जीपीएस। ब्यावर पार कर लिया, किशनगढ़ के बाद जो ब्यावर आता है सोजत करके कुछ आने वाला है, और मेरा टारगेट है कि दिल्ली टू जैसलमेर एक टंकी में पहुंचना। देखो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोशिश तो है कि शायद पहुंच जाएं। अभी यहां से रहता है आपको करेक्ट बताऊं तो 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर रहता है अभी, और जो हम आगे चल के वो आगे हम 570। टाइम हो रहा सुबह के 6 बज रहे हैं, कनेक्टर बहुत तेज नींद आ रही है। अभी बच रहा 300 किलोमीटर, 5 घंटे का रास्ता, देख के डर लग रहा है कि 300 किलोमीटर तो बचा है अभी। सब सो गए, ये भी सो गया, एक ये सो रहा नहीं, ये तो दिखेगा ही नहीं, इतना काला अंधेरे में दिखता है। चलो यार मैं भी सो जाता हूँ, थोड़े 2 घंटे का नैप ले लेता हूँ, जो भी हो जाएगा 10 मिनट जो भी नींद आएगी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। 7:30 बजे रहे हैं, 6 बजे सोए थे, अब चलते हैं यहाँ से। Do you wear your seat belt? जो
मसूरी नदी है, नदी में पानी देखो कितना फुल फुल बह रही है, डूबा हो रहे हम भी, फुल फुल बह रही है। जोधपुर में चल रहे हैं यार भी। ये देखो भाई एक चीज अनोखी मिली है, मैंने तो पहले किसी वीडियो में भी देखी, इधर गांव का नाम है हरियाणा, ये देखो बोर्ड लगा हुआ, यहाँ से जैसलमेर रह गया कितना है 234 किलोमीटर हरियाणा। अब हरियाणा का कट दिखाता हूँ, आ जाओ हमारा भाई रास्ता हरियाणा का, उदयसर हरियाणा लिखा हुआ, ये देखो उदयसर हरियाणा ये जा रहा रास्ता, बीच राजस्थान में जहां से 300 किलोमीटर दूर हरियाणा है, वहां से कम से कम 300 किलोमीटर दूर हरियाणा, वहां पे आगे गांव का नाम है हरियाणा। देखो यार एक जबरदस्ती है, और ये ना शायद मोबाइल में ना पता चले ये इतनी बड़ी बड़ी है, ये देखो ये पहाड़ है, मगर जितना पहाड़ का साइज है उससे डबल से भी ऊंची है, कितनी बड़ी है ये। मेरी स्पीड है 100-110, लास्ट 120 आ रही है, बट रोड इतने अच्छे आ गए कि 180 भी भगा लो यहाँ। तो भाई धूप लग रही है कैडी, यहाँ रुक गए, हाईवे बहुत सुंदर सुंदर आ रहा है राजस्थान में, ना आदमी दिखता ना आदमी की जात, दूर दूर तक बिल्कुल खाली पड़े, जितनी मर्जी भगाओ गाड़ी। एक फ्लाईओवर पड़ा है और इस फ्लाईओवर से पूरा पोखरण लगा लो जैसलमेर तक शायद दिखने वाला होगा, यहाँ से आसपास इन पहाड़ों के पीछे जैसलमेर होगा, ये जो भी है 100 किलोमीटर है यहाँ से, पूरा चारों तरफ का दिख रहा है। बड़े एंटिक एंटिक नाम है यहाँ पे राजस्थान में, गांव का नाम चाचा है, बस स्टैंड है, एक हरियाणा मिला एक चाचा इसका मिल गया, नाम देख रहा हूँ क्या क्या लिख रखे है यार, हरियाणा लाठी और क्या मिला था, चाचा चाचा, सही है भाई सही है, पूरा जंगल है, जंगलों में ऐसे ऐसे नाम, हरियाणा में चाचा की लाठी, हरियाणा चाचा की लाठी सही मैच कर दिया लौंडे ने भाई। फिर वो कितने सुंदर रोड है, एकदम साफ सुथरे, कोई खड्डा नहीं कुछ नहीं, अभी तक कोई खड्डा वड्डा नहीं मिला, शुरुआत में मिले थे किशनगढ़ तक जयपुर तक रोड खराब मिले थे, उसके बाद से तो मक्खन एकदम टोल बहुत है, मगर यहाँ पे ना घर बड़े सुंदर सुंदर बने हुए यार देखो, मतलब विलेज के हिसाब से एकदम साफ साफ सुथरे सुथरे, दूर दूर बहुत अच्छे लगे यार यहाँ के, मेरे को बड़े सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं क्या मेरे माँ को कितने समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। लाठी गांव आ चुका है, इस स्टेशन भी है यहाँ पे, और हमने इसको सिक्वेंस में लगवा दिया, सबसे पहले मिला हरियाणा, फिर मिला चाचा, अब मिला लाठी, तो ये हो गया हरियाणा में चाचा की लाठी। ये है रेगिस्तान के जहाज, चाह रहा था ना वो लगभग हो चुका है, 129 किलोमीटर की मेरी रेंज बची है, जबकि ये 150 किलोमीटर चल जाएगी कम से कम, और यहाँ से बचा है सिर्फ 56 किलोमीटर जैसलमेर, यानी कि एक टंकी में मेरी गाड़ी दिल्ली से जैसलमेर आराम से पहुंच जाएगी। और अभी तक कितनी चल चुकी है भाई वो भी दिखा दूं, ये देखो 855 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है, और अभी भी 150 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि करीबन करीबन पूरे 1000 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी अगर अच्छे से चलाओ तो, एवरेज निकाल के, और कोई एवरेज बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं चलाई मैंने गाड़ी, 80 से 120 के बीच में चलाई है बस, और ये एवरेज निकल के आई है गाड़ी की 1000 किलोमीटर एक टंकी में। जिसकी पास ये नहीं है ना वो यहाँ से आके ले लो, राजस्थान में कल है, और टैग कर दो भाई जिसको देनी हो, किसी के पास ना हो आपकी जानकारी में तो उसको टैग कर दो। गाने चल रहे थे सिद्धू मूसे वाले के, जोश ऐसा आ गया पीछे से रोड पे दिख रहा था पहाड़ के सामने, देखो और जी ऐसा करा कि गाड़ी ना राइट ना उड़ उस पहाड़ पे से उतार के नीचे ले जाऊं, ऐसा जोश भर दिया सिद्धू मूसे वाले ने। हमारे देश की बनाई हुई सबसे पावरफुल चीज जैसलमेर वॉर म्यूजियम, ये देखो टैंक खड़ा है, ये हमारा टैंक खड़ा महिंद्रा का, आर्मी मेमोरियल को वापसी में भाई सलूट करते हुए इधर से जा रहे हैं। अरे देखो ये बिहारी देखो क्या कर रहा है,
देखो बिहारी देखो क्या कर रहा है ये, हम यहाँ आर्मी को वॉर मेमोरी को सुलूट कर रहे हैं मैं ज्यादा टाइम, ये बिहारी पत्थर मार रहा हूँ बोतलों में, निशाना लगा रहा हूँ ना निशाना। भाई किसने बोला आपको निशाना लगाने के लिए, आप ये बताओ क्या करेगा, मेरा अंदर से मना के फोड़ो ये बेमतलब में पड़ी हैं, आप साफ कर सकते साफ सफाई करते हैं पे, लेकिन आप कचरा करने पे आ रहे हो, इतना ज्ञान मत दो चुपचाप चलो। और जरूरी सूचना, जैसलमेर वॉर म्यूजियम का ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। लाइट एंड साउंड शो का टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई थी, जो भी इसको हटा दी है क्योंकि कोविड वोविड की वजह से, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7:20 से 8 बजे और यहाँ पे लिखा हुआ है 6:30 से 7:10 तक, हाँ 7:10 तक, फिर 7:20 से 8 बजे तक, ये यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है। क्लोज ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को बंद रहता है। अगर आप इधर आते हो कोविड के बाद तो शायद आपको खुला मिल जाए, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि हम इसे खुला हुआ देख पाए अंदर जाके। जितने भी शहीद हैं सबको नमन मेरी तरफ से। चल हाईवे पे चलते टाइम अभी और दिखे दो टैंक, देखो कहाँ ऊपर लगा रखे हैं पहाड़ पे, बैटल है भाई। हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर सिटी और गाड़ी चल चुकी है 911 किलोमीटर और अभी भी 81 किलोमीटर का तेल इसमें बचा है, तो तकरीबन पूरी 1000 किलोमीटर चल जाएगी। एक टैंक में मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई है, बढ़िया लगा। और बाकी एक भाई मिल गए भारी बाइक पे, पता नहीं यार कैसा रूम दिखाएंगे, बोल रहे थे दिखा दूंगा अच्छा रूम 1200 रुपये में, ये वो सफारी डेजर्ट वगैरह सब कुछ बता रहे थे। चलो इनके भी देख लेते हैं, साथ ही चल रहे हैं हम, ये बता रहे कि भाई फोर्ट के सामने होटल दिला देंगे, पार्किंग वार्किंग सब मिलेगी। अरे हारे तो अंदर ले जा रहे हैं यार गली में, 2500 रुपये पर पर्सन का भाई ने कैंप बताया है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। हमारा कैंप में रुकना, रात को जो लोकल डांस वगैरह होते हैं यहाँ के जो वो है ट्रेडिशनल वगैरह वो सब चीज़ें, रात का खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह, और सफारी बताइए 3 डेजर्ट की 27 किलोमीटर की 2700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जो हमें बैठ जाएगा एक दिन का लगभग 9000 रुपये, तो हमें महंगा लगा यार। हमने कहा इससे बढ़िया तो हम जीप ले लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में किराए पर खुद घूम लेंगे, 2-3 हज़ार 2000-2000 का तेल लगा के, तो जीप ये लोग किराए पर दे नहीं रहे, तो भी हमने मना कर दिया, देखेंगे भाई कल देखेंगे। वैसे भी आज थके पड़े हैं, आज तो हमें कुछ करना नहीं है, आज जाएंगे होटल में रेस्ट करेंगे। अभी जा रहे हैं हम खुद सम डेजर्ट की तरफ, जो भी अच्छा मिलेगा वहाँ पे वहाँ देखते क्या मिलता क्या नहीं, वो करते हैं। इसमें सब कुछ इंक्लूड बता रहा कैमल राइड वगैरह ये वो पता नहीं कितनी चीजें, टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाई बोल रहा है, शाम को 4 बजे पहुंचना है, निकलना है यहाँ से 3-4 बजे, और आज में सब कुछ करा देगा 6:30 तक डेजर्ट खत्म सब कुछ। हाँ 27 किलोमीटर का यहाँ से डेजर्ट भी है, 45 किलोमीटर यहाँ से दूर भी जाना, 3 डेजर्ट है जिसमें कैमल राइड वैमल राइड और जंगल सफारी और गांव भी दिखाने हैं, एक भूतिया वो जो घर है जो टूटे पड़े हैं सब भूतिया जिसको बोलते हैं वो भी दिखाने हैं। भाई इतनी सारी चीजें कैसे दिखा देगा, हमारी खुद समझ में नहीं, वो भी 2 घंटे में हमने कहा चल छोड़ बाद में देखेंगे यार, उसके बाद निकलते हैं अपना खुद देखते हैं अपने आंखों से हमें क्या आंखों से मिलता है जो समझ में आ गया ठीक है नंबर ले लिया फोन कर लेंगे, नहीं और कहीं सही मिला तो मिल गया तो हम ये कर लेंगे एडजस्ट। चलो मिलते हैं आगे निकलते हैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट अभी हमने एक बैरियर पार करा 40 किलोमीटर आने के बाद, और वहाँ पे 50 रुपये पुलिस वालों ने एंट्री टैक्स लिया और एक पर्ची दी उसके बदले में, और उसको पार करते देखो यार एकदम नज़ारा बदल गया 50-100 मीटर के अंदर ही, 1 किलोमीटर भी नहीं चले 1 किलोमीटर पूरा रेगिस्तान लेफ्ट में देखो, ये तो बता रहा दुबई वाला डिजर्ट यही लेके आता पागल बनाने के लिए। अरे भाई हाँ वो तो एक सलाह दे रहा हूँ, ये जो हाथ दे के रोकते हैं ना इनके चक्कर में मत लगना, सब लूट रहे खाना घसोटने का चक्कर है, सारे आपको वैक्सीम वैसे ही मिलेंगे, कोई किस्मत अच्छी हो किसी को मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि मैंने 2 बंदों से कांटेक्ट करा जो यहाँ पे घूम के जा चुके हैं, एक राजस्थान का उनमें से, दोनों ने मना कर दिया इनसे बात करने के लिए, भी पुलिस वालों ने भी स्पेशली मैं ये बोला कि एक बाइक वाला हमारे पीछे पीछे आ रहा था, कह रहा इनसे बिल्कुल भी बात मत करना ये पैसा लेंगे और फ्रॉड करेंगे कुछ नहीं करते ये, तो भाई आप आओ तो आपके लिए सजेशन है आगे के लिए, बाकी आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो आप जहाँ भी जा रहे हो कैंप में डिजर्ट में वहाँ पे जाके होटल वालों से इनसे रिजॉर्ट वालों से डायरेक्ट बात करो, ये खुद कराएंगे आपका, या जहाँ भी कैंप आओ उनसे डायरेक्ट बात कर लो। ये आ चुके हैं सम जो है ना डेजर्ट, तो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया, बाकी का एरिया है यहाँ की मार्केट सी है, सब भाई कुर्ते पजामे सेम ही है, अलग ही देशी सा पहनावा है सबका।
आंखों के नीचे तुम्हारे काले घंटे हो रखे हैं मोटे मोटे। अरे भाई नींद से हो गई ऐसा लग रहा था ना दूर से। ओ भाई ये देखियो कितना बड़ा है, यहाँ खींचा दिखाते हैं उतर के आपको, तो मैंने बिल्कुल गाड़ी इसकी सदाई में खड़ी कर दी जहाँ से ये शुरू है ना, इसका पिलर का बेस वो, और पीछे से आके देखे तो मेरी गाड़ी से भी कम से कम 3 फुट बाहर निकल रहा, 3 फुट के आसपास, 3.5 फुट के आसपास, मतलब जितनी बड़ी मेरी गाड़ी है ना उससे भी 3.5 फुट ये और ज्यादा चौड़ा है। मेरी जितनी बड़ी गाड़ी है ना एसयूवी उससे बड़ी ऊपर की गोल मोटर है, कैमरे में शायद ना पता चले मगर ये जो मोटर है ना गोल सी, ये मेरी गाड़ी से बड़ी है बहुत। क्या हिट है भाई ने नया चैलेंज लिया है, ये कह रहे ये हैंड ब्रेक हटा के ना आगे को तो खैर थोड़ी सी खाई है भी की, देखो आप गाड़ी देख लो भाई ड्राइव में खड़ी है हो ही जाएगी, अगर ये पीछे कर दे तो मैं ना मान जाऊंगा, ये कह रहे मैं हैंड ब्रेक हटा के हाथ से आगे पीछे कर दूंगा। स्टीयरिंग का क्या करना है, ऐसे करो अरे गेट से क्या लेना है तुम्हें यार, इतना रास्ता बहुत है। आगे तो चली जाएगी, आगे तो ढलान है, पीछे करो ना ला आगे भी नहीं हो रही। उधर पीछे जाके धक्का मार, अबे धक्का मत मार पागल है, कौन मार रहा है हाँ हाँ पता है मेरे को भी लग रही है हवा, अरे फालतू ड्रामा करो चलो मुझे ले। तो दोस्तों होटल में आ चुके हैं, ये भर चुके हैं दोनों फैल के खा पी के, मैंने भी खा पी लिया सब खा पी के। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया नींद आ रही है, गुड नाइट भाई, सो जाओ सो जाओ।